ये पास ले लिए मैंने असगर माल कॉलेज का, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पार्किंग है। वीवर्स, असगर माल कॉलेज में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर ये पार्किंग बनी हुई है, ये वाली। ये पुराने ज़माने की बिल्डिंग है इसकी। मैंने जो है ख़ुद गार्डन कॉलेज से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर मामू की डिग्री लेने के लिए आया हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारे पुराने ज़माने की बिल्डिंग बनी हुई है। ये पार्किंग है सारी इसकी, असगर माल कॉलेज की, जो कि रावलपिंडी के अंदर मौजूद है। ये तारीखी चीज़ कोई नज़र आई है जी, मैंने कहा थोड़ी सी ये भी रिकॉर्ड में रख लेते हैं। ये गोरों के वक़्त की बिल्डिंग बनी हुई है सारी के सारी, ये ब्लॉक। ये दरख्त देखें, दरख्त की सूरत हाल आपको नज़र आ रही होगी। ये भी कुछ बिल्डिंग देखें, मैं थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड करके आपको चेक कराता हूँ, अच्छे तरीके से नज़र आएगा। पहुँच गया जी एंड बन ब्लॉक। अब इधर अंदर जाते हैं और फिर यहाँ से सूरत हाल पता करते हैं, क्या बोलते हैं। इधर तो चेक किया जी, सारे ही बंद है, कोई बंदा भी नहीं है। यहाँ पर ये एमए और एमएससी का सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी ताला लगा हुआ है। ये ऊपर भी अंधेरा ही है जी, मैं ऊपर आया हुआ था, इधर से पता गया। वो कहते हैं नीचे जाओ जी, अब नीचे जाने लगा हूँ। वहाँ पर कहते हैं लास्ट वाले रूम, वो ऑलरेडी मैं पहले चेक कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर भी नहीं मिले, दोबारा चेक कर लेते हैं। एंड वाले रूम पे चलते हैं। अब कहते हैं जी विजाज साहब को ढूँढे, वो इधर प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद है। कायदे आज़म हाल बात हो गई है जी, इधर वेट करने के लिए मुझे बताया ना कि वेट करें। अभी मैं इधर बैठ के वेट करूंगा कि आया डिग्री मौजूद है कि नहीं, क्योंकि वो देंगे नहीं, जस्ट कह रहे हैं कि आप जो सा आपको बता देंगे डिग्री मौजूद है, फिर वो आगे शक ले लें, क्योंकि खुद आके वो रिसीव करेंगे। वेटिंग रूम में एक अनोखी सी चीज़ मैंने देखी है, आपको नज़र आ रही होगी, ये चरपाई। यहाँ पर लगता है रेस्ट भी किया जाता है। वीवर्स, आधा घंटा होने वाला है तकरीबन, यहाँ पर बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ। सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ इन बिल्डिंग्स के अंदर, ये पुराने ज़माने की बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर नेट की सर्विस नहीं है, इसलिए बोर हो रहा हूँ मैं, अकेला बैठा हूँ यहाँ पर। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इंतज़ार की घड़ी कब ख़त्म होगी ये कोई पता नहीं है। पता कर लिया जी, डिग्री आई नहीं है कॉलेज के अंदर, मतलब जो सा पंजाब का इदारा उन्होंने भेजी नहीं है, यूनिवर्सिटी वालों ने या जो भी होता है। और अभी यही है कि वो उन्होंने प्रोसेस पता है, फॉर्म वगैरह निकाल के अप्लाई करना है उन्होंने, और फिर ये घर के अंदर डिग्री आ जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो खुद आके उन्हें करना पड़ेगा। बस जी, आज गार्डन का सॉरी असगर माल कॉलेज भी देख लिया हमने, और याद थोड़ी सी ताज़ा हो गई है। कॉलेज के अंदर ये देखें जी, एक शानदार दरख्त आपको नज़र, बहुत बड़ा दरख्त है ये दरख्त, चेक करें माशाल्लाह कितना बड़ा दरख्त है अंदर है। इधर बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये सारी की सारी पुराने ज़माने की बनी हुई है, अंग्रेज़ों के वक़्त की। अपना काम तो ख़त्म कर लिया, मैंने कहा थोड़ा सा असगर माल कॉलेज को विज़िट कर लें, देखें इसकी बिल्डिंग्स को देखें, क्योंकि इन्होंने मेरे ख्याल से नई कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं की सारी पुरानी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, आपको नज़र आ रही होगी। ये चेक करें, बहुत शानदार किस्म की कंस्ट्रक्शन की हुई है, गोरों के वक़्त की। अभी तारीख नहीं लिखी हुई इस पर, नहीं तो बंदा चेक करता है, ये कुछ लिखा हुआ है, ये भी चेक करते हैं क्या लिखा है। ये कायद का कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, ये देखें डेट वगैरह कोई नहीं है यहाँ पर। और ये देखें इलामा इकबाल का भी कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, पढ़ लें जो पढ़ना चाहता है, ये पास करके आप पढ़ सकते हैं। एक दूर से थोड़ी सी ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर लेते हैं यहाँ से,
यहाँ से लुक बहुत ही ज़बरदस्त है, आउट क्लास। ये कौवे जो से टड़ाएँ 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 कर रहे हैं यहाँ से, बड़े मज़े की तस्वीर। ऊपर सारे कौवे इकट्ठे हो गए हैं, मैं तो नीचे खड़ा हूँ, उन्होंने कड़ाएँ 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 इन्होंने फूट कर दिया, क्या आवाज़ आ रही होगी। ये करीब से थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, सारे कौवे इकट्ठे हो गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो आप लोगों ने पसंद की होगी। वीडियो पसंद की है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी अब चलते हैं, ठंडा सोडा पीते हैं, उसके बाद घर की तरफ रवाना हो जाते हैं क्योंकि जुमा पढ़ना है। सब लोगों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।